सो हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच टू लव मी हियर, टू सपोर्ट मी हियर। एंड जो भी व्यूअर मेरे चैनल पे आज न्यू है, उन्हें मैं बताना चाहूंगी गाइस कि माय चैनल इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट अ वुमन नीड। तो आपको यहाँ पे शॉपिंग हॉल, मेकअप वीडियो, बहुत सारे DIY और साथ ही नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के रिव्यू जानने को मिलेंगे। तो गाइस, ओवरऑल चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है, आपके बहुत ज्यादा पैसे भी बचाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो गाइस थैंक यू सो मच। जस्ट बगल में आ रहा होगा नोटिफिकेशन बटन, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अब आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो ये है गाइस मेरी करंट स्किन, जहाँ पे आपको बिना किसी फिल्टर के मैं अपनी नेचुरल स्किन दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको किसी भी तरह के दाग धब्बे, कोई भी स्कार्स, कोई भी एक्ने के निशान कुछ भी नहीं दिख रहा है। द रीजन इज कि मैंने अपनी स्किन पे कुछ समय पहले बहुत ही ज्यादा सीवियर एक्ने फेस किया था, और गाइस जो अभी काफी टाइम के बाद ही रिलीफ मिला है। बट गाइस, अब मेरे चेहरे पर ना ही कोई एक्ने आते हैं और ना ही किसी भी एक्ने के दाग धब्बे रह गए हैं। जो गाइस एक्ने मुझे हुआ था, उसकी छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी स्किन थी जिसको मैंने रिपेयर करके करंटली इस तरह से किया है। और गाइस, जो आज मैं वीडियो में आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, रेमेडी बता रही हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छी है, तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इस रेमेडी के लिए आपको सबसे पहला इंग्रेडिएंट लेना है गाइस, मुल्तानी मिट्टी। अगर आपको जिस तरह का मैंने दिखाया उस तरह का एक्ने आता है, तो मुल्तानी मिट्टी इज अ बेस्ट। आपकी स्किन पे ये ना इस तरह के एक्ने को सुखाता है, साथ ही साथ उस एक्ने को क्योर भी करता है। जो रेडनेस होती है एक्ने के किनारे किनारे, उसको भी ये बहुत बहुत ही अच्छे से हील करता है, क्योंकि ये एक ठंडक देने वाला एलिमेंट होता है। साथ ही ये नेचुरल क्लींजर होता है और इसमें कुछ खारापन होता है जिससे एक्ने धीरे धीरे करके सूखते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट गाइस मुल्तानी मिट्टी चाहिए। अगर आपको खड़ी वाली मिलती है तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस नीम लीव्स। इसका पाउडर ऑनलाइन गाइस मैं बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि आप कहां से इसका पाउडर बाय कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली मिल जाती है नीम लीव्स तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इंग्रेडिएंट है गाइस बेसन। बेसन आप में से बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते होंगे, बट बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है गाइस जो आपकी स्किन को बहुत डीपन जाके क्लीन करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन के जो भी ऑयलीनेस है ना उसको सोक कर लेता है। उसके बाद मैंने एक और इंग्रेडिएंट लिया है जो कि है एलोवेरा जेल गाइस। ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है, ये रिकमेंडेड एलोवेरा जेल है गाइस। अगर आपके एक्ने के स्कार्स हैं, रेगुलर अगर आप इसको यूज करते हो तो सिर्फ इसके यूज से भी चले जाएंगे, ठीक है। अब गाइस लास्ट में मैंने लिया है गुलाब जल। गुलाब जल गाइस आपकी स्किन को बहुत अच्छे से टाइट भी करता है और आपकी स्किन में क्लींजिंग का भी काम करता है, ठीक है। तो नाउ गाइस, ये अच्छा सा टोनर भी हो जाता है। इतने सारे इंग्रेडिएंट ही आपको लेने हैं। अब आपको प्रोपोर्शन देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक आइडियल प्रोपोर्शन आपको दे रही हूँ। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने लिया था मुल्तानी मिट्टी, उससे थोड़ा सा कम ही लिया था। अब जितना मुल्तानी मिट्टी आपको लेना है उससे थोड़ा सा कम आपको लेना है नीम पाउडर, ठीक है। जितना मुल्तानी मिट्टी लिया था उसके कंपैरिजन में इक्वल आपको लेना है बेसन, मतलब मुल्तानी मिट्टी और बेसन लगभग बराबर हो गए, नीम पाउडर थोड़ा सा कम होगा। तो अब क्या करना है इसमें गाइस, 1 टेबल स्पून ये पूरा नहीं है बट ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। इतना आपको लेना है एलोवेरा जेल। नाउ गाइस, ये जो पेस्ट है इसको बनाने के लिए गुलाब जल ले लीजिए। ये बिल्कुल मार्केट वाला आपका फेस पैक बन के रेडी हो रहा है, जो आप 600-700 रुपए का डिब्बा बंद लेकर आते हैं ना, उससे फार बेटर मैंने यहाँ पे फेस पैक आपको बताया है। ये इफेक्टिव भी है, अफोर्डेबल भी है, और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को रिपेयर करता है, आपके स्किन को टाइटन भी करता है। अब एक गुड टाइम देके इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि ये जितना भी इंग्रेडिएंट है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। धीरे धीरे करके इसमें गुलाब जल डालिएगा, और जिस तरह मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ सेम इसी कंसिस्टेंसी का, जैसे आप जो बॉक्स वाला फेस पैक यूज करते हैं ना, वैसी कंसिस्टेंसी में ही इसको मेंटेन करना है। तो आप ध्यान से इसका फेस पैक बनाइए, और ये जो फेस पैक है ना ये बहुत बटरी बन के रेडी होगा जब आप इसको अच्छे से मिक्स करोगे। अगर आप सिंपल से ऐसे ऐसे हिला के और किसी तरह से इसको लगा लोगे तो इसका बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से मिक्स कीजिएगा। देखिए आप यहां पर गए, कुछ दिन पहले की ये क्लिप है,
यहाँ पे मैंने फेस क्लीन किया है बट स्टिल बहुत हल्के हल्के मेरे चेहरे पर दाग हैं। तो इसको मैं क्या करती हूँ, वीक में 2 बार मैंने, बिल्कुल जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मैंने इस फेस पैक पे ट्रस्ट करके इसका यूज किया है। करीब 3 to 4 month तक मैंने इसको कॉन्टिन्यूअस यूज किया है, वीक में 2 बार और किसी किसी बार वीक में 3 times भी। इसने गाइस पहली बात तो मेरे जो एक्ने थे उनको क्योर किया, दूसरी चीज मैं इसने मेरे एक्ने की जो टेंडेंसी थी, मतलब वो जो बड़े बड़े एक्ने, बम्पीनेस और रेडनेस ये सब आता था, वो आना बंद हुआ। जैसे ही एक्ने आते थे फेस पैक लगाया वो क्योर हो जाते थे, वो पूरे फुल फ्लेश्ड फॉर्म में आने से पहले ही ड्राई हो जाते थे, ठीक है। और जितने भी एक्ने निकलने वाले होते थे ये उनको भी कंट्रोल कर देता है। इतना अमेजिंग है, अगर इसका 6 to 7 एप्लीकेशन आपके फेस पे चला जाता है ना, तो आपकी जो स्किन होती है वो इसकी हैबिचुअल हो जाती है, ठीक है। उसको समझ में आने लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये उसकी मेडिसिन है और ये अप्रोप्रिएटली वर्क करने लगती है। हो सकता है आपको 2 एप्लीकेशन में लगे कि शायद ये वर्क नहीं करेगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इसको अपने स्किन केयर में शामिल कर लोगे तो देखोगे कि आपको कोई भी भारी भरकम मेडिकल स्टोर पे जाके या डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल इस फेस पैक से ही आपके एक्ने क्योर हो जाएंगे। अगर आप टीनेजर हैं तो प्लीज इसको आप आदत में डाल लीजिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है और एक्ने आते हैं तो इसको बच्चा आप आदत में डाल लीजिए, क्योंकि मुझे पता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है स्किन केयर वगैरह के बारे में। तो आप इसको अगर अपने स्किन के उसमें डाल लेंगे केयर में, तो हाँ आप वीक में 2 times इसको अप्लाई करेंगे तो आपके एक्ने धीरे धीरे ना कम होने लगेंगे। तो इसको सेम जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ एग्जैक्टली आपको वैसे ही लगाना है, और ये एक टाइटनिंग फेस पैक भी है तो आप इसको अपने नेक पार्ट पे भी जरूर लगाइएगा। आपको 20 to 25 मिनट में ये गाइस अपने स्किन पे रखना है, देन आपको प्लेन वाटर से वॉश करना है, दैट्स इट। इतना ही सिंपल ये फेस पैक है गाइस। सारी चीजें पाउडर फॉर्म में बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, मैं वहां पे इसकी बाय लिंक दूंगी। और जब आप इसको वॉश करोगे ना तो देखोगे कि फेस वॉश से भी ज्यादा ब्यूटीफुल आपका चेहरा ऑलरेडी क्लीन है। तो ये था गाइस मेरी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको दूसरों से शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं रंजना अब करती हूँ आपसे टाटा बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल।